तो बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता डाइट करने के लिए, बस इसी कारण वो लोग तैयार नहीं रहते ट्रांसफॉर्म होने के लिए और उनकी सोच उन्हें रोक रही होती और बंदा परेशान हो जाता है सोच सोच के। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा मेरी वेरी सिंपल डाइट जिससे मैं ट्रांसफॉर्म हुआ। सब भाई लोग परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, डाइट नहीं करता हूँ सोच के, देखो मैंने भी नहीं की। अगर मैं भी डाइट नहीं करता हूँ सोच के, कुछ ना करता, तो आज आप लोग मुझे नहीं देखते, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को कभी नहीं देखते। तो अब हमारे पास पैसा नहीं है डाइट के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी सब कुछ करेंगे बिना जिम और बिना डाइट के भी। डाइट 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 ज़रूरत ही नहीं है। क्यों डाइट, कहीं को डाइट? पहले इस डाइट वाले शब्द को हटाओ, इससे टेंशन बढ़ता है। तो मैं ना डाइट के प्लेस में बस इन पांच चीज़ों को मैंने फॉलो किया है और मेरी मानो ये पांच चीज़ें आपको 100% नहीं बल्कि 200% रिजल्ट्स ला के देगा। तो पहला, टेकिंग हाई प्रोटीन फूड। तो बेसिकली बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन्स एक मेन सोर्स ऑफ फूड है, तो प्रोटीन्स की हम लोग को बहुत ज़रूरत है और प्रोटीन्स किसी भी हालत में मिस नहीं करना। तो आप कौन से प्रोटीन्स लेंगे? क्वेश्चन मार्क, एक नहीं तीन बार क्वेश्चन मार्क। तो मैंने अपने जर्नी में तीन ऐसे प्रोटीन फूड्स कंज्यूम किया जो ना एक हिसाब से चीप है और साथ ही साथ फ्रेंडली भी और कहीं पे भी मिल जाता है इजीली। तो पहले एग्स, एक अंडे में 6 ग्राम का प्रोटीन मिल जाएगा। 4 अंडे खाने हैं 6 4 24 ग्राम का प्रोटीन पूरा हो जाएगा। वैसे ही एक अंडा 5 रुपये का मिलता है, 5 4 20, सिर्फ 20 ही रुपये में 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहे हैं। तो सेकंड, सोया चंक्स। यहाँ पे 100 ग्राम सोया में आपको मिल रहा है 52 ग्राम प्रोटीन और ये भी इजीली मिल जाएगा मार्केट में 150 से 200 तक। और मैं लेता हूँ हर रोज 50 ग्राम और उसमें हम लोग को मिलेगा 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन और यहाँ पे सिर्फ 7 ही रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब तक 50 ग्राम प्रोटीन खत्म। तो अभी थर्ड जबरदस्त फूड, चिकन। 100 ग्राम का चिकन में आपको मिल रहा है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन और अभी यहाँ तमिलनाडु में चिकन का रेट थोड़ा बढ़ गया है 300 पर केजी और यहाँ आपको मिलता है 30 रुपये में 27 ग्राम प्रोटीन। और जिस दिन मैं चिकन खाता हूँ उस दिन मेरी नसीब बहुत अच्छी है। तो कभी कभी मेरे प्रोटीन 50 ग्राम तक हो जाता है अंडे और सोया से और कभी कभी 80 से 100 तक चला जाता है चिकन खाने से। अगर बजट के फैक्टर से बात करेंगे तो अंडा 20 रुपये और सोया 7 रुपये और चिकन 30 रुपये, टोटली 57 रुपीस का खर्चा हो जाता है प्रोटीन्स का। और भाई लोग सिर्फ पहला पॉइंट थोड़ा बड़ा है और फिक्र मत करो, बाकी के 4 पॉइंट्स में उतना खर्चा नहीं है, वो एकदम इजी है। तो सेकंड पॉइंट, टेकिंग हाई कैलोरी फूड। तो यहाँ पे आपका गोल डिसाइड करता है, अगर वेट गेन करना हो तो आपको कैलरीज ज़्यादा खानी पड़ेगी या कैलरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। अगर आपका गोल वेट लॉस है तो डेफिसिट में खाना चाहिए, थोड़ा कम कर लेना चाहिए। और यहाँ पे आप डिसाइड करते हो सरप्लस या डेफिसिट, ज़्यादा या कम, कुछ भी खाओ, घर का ही खाना खाओ, चावल रोटी और यहाँ पे इडली डोसा ऐसा मिलता है इधर। तो थर्ड पॉइंट, अवॉइडिंग जंक। जंक फूड्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, बाहर की चीज़ें जितना हो सके उतना कम कर दो, बंद कर दो, चॉकलेट आइसक्रीम क्विट कर दो। तो फोर्थ पॉइंट, डेली 1 फ्रूट कंपल्सरीली, क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर होते हैं तो हम लोगों को वो भी चाहिए। और जो फ्रूट मेरे साथ फ्रेंडली रहता है वो है बनाना, केला। डेली 2-3 केले आराम से खा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ख़त्म। अभी लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में सिर्फ पानी की ज़रूरत है। तो फिफ्थ पॉइंट आता है मोर H2O, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। डेली मैं 3 लीटर तो ख़त्म करता ही हूँ क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी। और यहाँ पे एक गोल बनाओ कि हर घंटा मैं 1 ग्लास का पानी पीऊँगा, ऐसा एक गोल बना के फॉलो करो, पानी ज़्यादा पियो, बस हो गया। तो ये थी मेरी वेरी सिंपल डाइट जिससे मैं ट्रांसफॉर्म हुआ और आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसे 1 साल से फॉलो करता रहा हूँ और मेरे डाइट में सिर्फ प्रोटीन्स का खर्चा है 60 रुपये पर डे, उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा ही। तो आज इसे इन्वेस्ट करो खुद पे थोड़ा थोड़ा और मेहनत करो, हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंट रहो और जब 101% रिजल्ट्स आएंगे ना तब आप लोग मुझे याद करेंगे। तो आज के लिए इतना, वीडियो 100% यूजफुल रही होगी, अगर रही हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना और साथ ही साथ एक मस्त कमेंट भी छोड़ के जाना। और हार्ड और ज़बरदस्त वीडियोस के लिए बस सब्सक्राइब करो द रंजीता। थैंक यू, पीस।